हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी वर डूइंग एक्सरसाइज 10.3। सो ऑलरेडी वी हैव डन एट अप टू एट क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो आवर एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज इज 10.3 एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्स माइनस फाइंड मॉड ऑफ एक्स, वेक्टर एक्स का मॉडुलस हमें फाइंड करना है फॉर ए यूनिट वेक्टर ए। ए हमें एक यूनिट वेक्टर गिवन है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए क्या है, 1, राइट। एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 12, ये हमें गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, मॉड ऑफ एक्स। ओके, लेट अस सी। मॉड ऑफ एक्स माइनस है, इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट की तरह से ही सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स विल मल्टीप्लाई विद एक्स, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, सो इट विल बी एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स डॉट ए। हु इज दिस? बेटा बेटा मम्मा से पूछ लो। माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज, नॉर्मली ब्रैकेट्स ही ओपन किए हमने, बट इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, सो बीच में डॉट आपको शो करना है। नाउ एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट एक्स विल बी मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर, राइट। वी नो जब दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम टू सेम वेक्टर्स इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ देयर मॉडुलस। सो एक्स डॉट एक्स विल बी मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, एंड वी नो दिस एक्स डॉट ए, दिस इज ए डॉट एक्स, डॉट एज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो अकॉर्डिंग टू दैट ए डॉट एक्स विल बी इक्वल टू एक्स डॉट ए, ये दोनों इक्वल होंगे, सो दिस टू विल कैंसिल ईच अदर। माइनस ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वेयर, माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, सॉरी इट वॉज नॉट 0 एक्चुअली, इट वॉज 12, राइट। दिस इज इक्वल टू 12। एज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 प्लस 1, राइट। मॉड ऑफ एक्स दिस विल बी 13, सो मॉड एक्स विल बी रूट ऑफ 13, बट इट विल बी ओनली पॉजिटिव बिकॉज मॉड इज नेवर नेगेटिव, राइट। सो इट वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमें गिवन है, एंड साथ में हमें गिवन है ए प्लस लैम्डा बी। ए वेक्टर गिवन है हमें 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर गिवन है b इज माइनस i प्लस 2j प्लस k, माइनस i प्लस 2j प्लस k। सी वेक्टर इज
थ्री आई प्लस जी। एंड ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ये भी हमें गिवन है। ए प्लस लैम्डा बी होल इज परपेंडिकुलर टू सी। डेफिनेटली दिस इम्प्लाइज वी नो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। सो ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी वेक्टर विल बी जीरो, विच इम्प्लाइज नाउ व्हाट विल बी ए प्लस लैम्डा बी। ए वेक्टर इज टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर दैट इज माइनस आई प्लस टू जे प्लस के वेक्टर। दिस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस डॉट डॉट सी वेक्टर। एंड व्हाट इज सी वेक्टर? थ्री आई प्लस जे, थ्री आई प्लस जे, दिस विल बी जीरो, विच इम्प्लाइज नाउ दिस इज टू आई एंड फ्रॉम दिस वी विल गेट माइनस लैम्डा आई। टू आई माइनस लैम्डा आई, टू माइनस लैम्डा, टू माइनस लैम्डा ऑफ आई, देन इट इज टू जे, इट विल बी टू लैम्डा जे। सो दिस इज टू प्लस टू लैम्डा इन टू जे, राइट? नाउ इट इज थ्री के एंड दिस विल बी लैम्डा के, सो इट विल बी थ्री प्लस लैम्डा इन टू के, करेक्ट? डॉट थ्री आई प्लस जे विच इज इक्वल टू जीरो। नाउ विच इम्प्लाइज नाउ देर इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू ब्रैकेट्स, ये कंप्लीट ब्रैकेट है एंड दिस वन इज सेकेंड, और इन दोनों के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। सो व्हाट विल वी डू? वी विल सिंप्लीफाई इट लाइक डॉट प्रोडक्ट। दिस इज डॉट प्रोडक्ट, जब हम करते हैं तो लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। सो ए वन इज टू माइनस लैम्डा एंड ए टू इज थ्री, सो इट विल बी थ्री इंटू टू माइनस लैम्डा प्लस बी वन बी टू, टू प्लस टू लैम्डा एंड हेयर इज वन वन जे, सो वन इंटू टू प्लस टू लैम्डा प्लस थ्री प्लस लैम्डा एंड देर इज जीरो के, सो जीरो इंटू थ्री प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज वट विल बी दिस? सिक्स माइनस थ्री लैम्डा प्लस दिस विल बी टू प्लस टू लैम्डा प्लस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज सिक्स प्लस टू एट, एट माइनस थ्री लैम्डा एंड टू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा विल बी एट। लैम्डा हमें फाइंड करना था, सो आवर लैम्डा विल बी एट। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज मॉड ऑफ ए इंटू बी, मॉड ऑफ ए इंटू बी प्लस मॉड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर। दिस होल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर दिस। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, राइट? शो करना है, ये हमें शो करना है, राइट? ओके, इफ दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सॉरी,
these are not perpendicular. We have to show that these two vectors are perpendicular, and for that we need to show that their dot product is 0. यानी कि फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर अगर हमारा जीरो आता है, इन दैट केस वी कैन से दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. ओके, ओके, सो लेट अस फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट. नाउ ए वेक्टर डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर this dot a vector mod of a vector into b vector minus mod of b vector into a vector, right? Mod of a modulus of any vector is a scalar quantity. Similarly, mod of b will also be scalar. Mod a mod b dono scalar honge, right? इन ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर फर्स्ट टर्म हमारी सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी. सो जब ये मल्टीप्लाई होंगे, मोड ए मोड ए मोड ए एंड मोड ए दोनों स्केलर हैं, स्केलर स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे लाइक दिस. फाइव टाइम ऑफ वेक्टर ए इंटू थ्री टाइम ऑफ वेक्टर ए. Their multiplication will be, first we multiply scalars like 15 and a dot a, a dot a, dot product vectors ke beech mein hoga. So it will be mod of a scalar hai, dono jagah par, so mod of a square ho jayega. Dot product vectors ke beech mein hoga, b dot b, b vector dot b vector plus, ab first term ko second bracket ki second term se multiply karenge. मोड एंड मोड भी दोनों स्केलर हैं, राइट? सो माइनस ऑफ मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, राइट? देन इट विल बी बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस सेकेंड टर्म को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं. मोड बी इंटू मोड ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों स्केलर हैं, राइट? डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर्स के बीच में, सो इट विल बी बी डॉट ए, सॉरी ए डॉट बी प्लस. नाउ दोनों ब्रैकेट की लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, मोड बी इंटू मोड बी स्क्वेयर एंड ए डॉट, इट विल बी माइनस ए डॉट ए, ए डॉट ए, राइट? विच इज इक्वल टू, दिस इज मोड ए स्क्वेयर. Mod of a square into b dot b is what? Mod b square minus this is mod of a mod of b. इसको हम लिख सकते हैं a dot b, right? या ये दो इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है. b dot a और a dot b दिया हुआ है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं a dot b is equal to b dot a. इस वजह से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं. माइनस नाउ यू आर लेफ्ट विद मॉड b स्क्वेयर, मॉड ऑफ b स्क्वेयर वेक्टर b स्क्वेयर डॉट a इज मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वेयर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वेयर मॉड ऑफ b स्क्वेयर माइनस इन मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, दोनों स्केलर नंबर है, सो इट इज मॉड ऑफ ए स्क्वेयर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वेयर वेक्टर. अब दोनों लाइक टर्म है और बीच में माइनस का साइन है, कैंसिल हो जाएंगी, सो इट इज जीरो. सो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है. दिस इम्प्लाइज इस पूरे वेक्टर को मैं अल्फा कह देता हूँ, इसको सपोज आई से बीटा, इम्प्लाइज अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, वेक्टर अल्फा इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बीटा, राइट? Mean both vectors are perpendicular. Next is question number 12.
Question number 12 is somewhat conceptual. If a dot a is equal to 0, a vector dot vector a is equal to 0. Do vectors ka dot product 0 hai. This implies, and simultaneously hame given hai, a dot b is also 0. a dot b bhi 0 hai. So, find kya karna hame? What can you conclude about b vector? हमें बी वेक्टर के बारे में बताना है कि व्हाट विल बी बी वेक्टर, बी वेक्टर किस टाइप का होगा. करेक्ट, ओके. ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, बट ए डॉट ए इज व्हाट? ए डॉट ए इज मॉड ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. किसी के मॉडुलस का स्क्वेयर जीरो है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए इज ऑल्सो जीरो. एंड इफ मॉड ऑफ ए इज जीरो, किसी वेक्टर का मॉडुलस अगर जीरो है, इसका मतलब वेक्टर ए कैसा है? जीरो. यहां से हमें पता लगा कि वेक्टर ए इज जीरो. करेक्ट. नाउ ए डॉट बी इज ऑल्सो जीरो, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ए कैसा वेक्टर है? जीरो. जीरो डॉट बी इज जीरो. ओके, सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर? बी क्या हो सकता है? अब बी जीरो से डॉट, बी का जीरो के साथ डॉट प्रोडक्ट है, बी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी कैसा भी वेक्टर हो, प्रोडक्ट तो जीरो आएगा. बी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. बी एक जीरो वेक्टर भी हो सकता है, देन जीरो वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर विल बी जीरो. बी एक नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, लाइक नॉन जीरो वेक्टर है, इवन देन डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो. सो व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट बी? बी कैन बी ए जीरो वेक्टर और नॉन जीरो बोथ. सो बी कैन बी एनी वेक्टर, वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर. जीरो और नॉन जीरो, बी कैसा भी वेक्टर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13, वेरी गुड क्वेश्चन. So let us start question number 13. Question 13 is ABC are unit vectors. Vector A is equal to mod of vector A is equal to mod of vector B is equal to mod of vector C. ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये सभी मॉडुल, सभी यूनिट वेक्टर्स हैं, सो सबके मॉडुलस 1 होंगे. बिकॉज वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है? जब उनका मॉडुलस 1 हो. साइमल्टेनियसली हमें क्या गिवन है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. करेक्ट. एंड वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी प्लस b dot c plus c dot a is equal to 0. ठीक है. This implies, ये हमें find करना है, sorry, ये equal to 0 नहीं given, ये हमें find करना है. Okay, ठीक है. अच्छा, a dot b कहाँ पर आता है? अगर a plus b और a into a minus b को multiply करें हम, या a plus b को multiply करें, सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए डॉट ए, ए डॉट ए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी, यानी कि इस टाइप की टर्म्स प्रोडक्ट में आती हैं. सो हम, हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. हम ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी एक जीरो वेक्टर है, राइट? ये भी एक जीरो वेक्टर है, गिवन है क्वेश्चन में हमें. सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो. विच इम्प्लाइज, ओके, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम. सो फर्स्ट ए को हम सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी ए डॉट ए प्लस
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी बी डॉट ए, फिर बी को हम बी के साथ करेंगे, सो इट विल बी बी डॉट बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, देन सी को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे सी, सो इट विल बी सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। राइट साइड में क्या जीरो, विच इम्प्लाइज नाउ ए डॉट ए इज मॉड ऑफ ए स्क्वेयर, मॉड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी डॉट बी इज, अच्छा ए डॉट बी एंड एक होगा हमारे पास ये दोनों, ए एज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सो इसको हम ट्वाइस ऑफ लिखेंगे। एक बार मैं जो सिमिलर काइंड के वेक्टर्स हैं ए डॉट ए राइट बी डॉट बी क्या होना चाहिए, बी मॉड बी स्क्वेयर, एंड सी डॉट सी क्या होना चाहिए, मॉड सी स्क्वेयर, सो इनको साथ साथ लिख देता हूँ, दिस विल बी मॉड बी स्क्वेयर एंड सी डॉट सी विल बी मॉड सी स्क्वेयर राइट। बहुत ध्यान से आपको वेक्टर के ऊपर वेक्टर का साइन जरूर लगाना है, अगर वेक्टर के ऊपर आपने वेक्टर का साइन नहीं लगाया मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ नाउ सी दिस ए डॉट बी एंड साइमल्टेनियसली क्या है बी डॉट ए, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर इक्वल, सो दोनों सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस, अब देखिए कहीं बी डॉट सी है, ए डॉट सी एक ये टर्म है हमारे पास ए डॉट सी एंड एक सी डॉट ए है, एक क्या है सी डॉट ए, और दोनों इक्वल होते हैं तो ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए या ए डॉट सी कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अब रह गया हमारे पास सी डॉट बी, और ऐसी ही एक टर्म और होनी चाहिए हमारे पास, लगता है ये मैंने यहाँ पर सी डॉट सी ये यहाँ होना चाहिए था, यहाँ सी डॉट सी ये गलत लिख दिया है, एक्चुअली ये बी डॉट सी होना चाहिए था, दिस इज सो करेक्ट इट, इट शुड बी बी डॉट सी, सो बी डॉट सी एक यहाँ पर है और एक सी डॉट बी यहाँ पर है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी करेक्ट, सी डॉट सी मॉड सी स्क्वेयर होता है जो हम पहले लिख चुके हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए स्क्वेयर, वाट इज मॉड ऑफ ए स्क्वेयर, मॉड ऑफ ए स्क्वेयर इज वन, मॉड ऑफ सी स्क्वेयर इज ऑल्सो वन, सो वन प्लस वन प्लस वन दिस विल बी थ्री प्लस, एंड यहां से आप टू कॉमन ले सकते हैं ठीक है, सो इट विल बी टू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो राइट, विच इम्प्लाइज इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री, और टू यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई था उसको हम राइट साइड के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यही हमें फाइंड करना था, सो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 करेक्ट। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, फोर्टीन्थ क्वेश्चन इज इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो